सुने ना, सुने ना जी मम्मी, कुछ कहा आपने? क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है। आज से पहले कभी तुम्हें मुझसे नजरें चुराने की या झूठ बोलने की जरूरत पेश आई तो फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है? बता दो बेटा, शेयर कर लेने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। बताओ। पता नहीं मम्मी, मुझे आपसे ही बात कहनी चाहिए है ना, पर दिल कहता है कि बताना जरूरी है। मम्मी काफी दिन से असद मेरे साथ बहुत उखड़े उखड़े हैं। मेरी हर बात पे उनको गुस्सा आ जाता है। मैं बात कुछ करती हूँ, जवाब कुछ और देते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी, उनके रवैये में ये बदलाव। सच पूछो तो तब्दीली तो मैं भी महसूस कर रही हूँ। पहले रोज सुबह मेरे कमरे में आके सबसे पहले मेरे पैर दबाता था और अब कमरे में झांकता तक नहीं। कोई वजह तो है। पर क्या वजह हो सकती है मम्मी? आने दो उसे, आज मैं उससे बात करूंगी। मैं पूछूंगी उससे कि ये क्या तरीका है, बीवी से ऐसा सुलूक क्यों? नहीं नहीं मम्मी, प्लीज आप असद से कोई बात ना कीजिएगा। बिना वजह बात बढ़ जाएगी और असद को लगेगा कि मैं आपसे उनकी शिकायतें करती हूँ। तुम्हें परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब ये मामला मेरे सुपुर्द कर दो। असद को बताना ही पड़ेगा कि इसकी वजह है क्या।